मैं अभी अस्पताल से वापस आया हूँ, वहाँ का अपडेट आपको देता हूँ, पर पहले एक लंगूर का केस ज्योति के पास आया था। रस्सी खोलनी पड़ेगी उधर से। पहले इसी का ही बता दो कि इसका आइस पैक चल रहा था ठीक? सब चल रहा है सर, सूजन भी कम हो गई है ना, मेलोनेक्स से काफी फर्क पड़ा है। इसका हुआ क्या, नाली में गया पैर इसका? खुद से वो उठ नहीं पाता ना एकदम से, या मतलब पता नहीं, खड़े खड़े अचानक से ऐसे दूसरी बार हुआ ही अभी, इसलिए हमने मैट वैट भी लगाई कि भाई शायद स्लिपरी होने की वजह से ऐसा हो रहा हो। ध्यान से लात ना मार गया तुम्हें। छोड़ और लग गया क्या? और अभी तो नहीं हुआ डैमेज। हमारे यहाँ छोटी छोटी बड़ी सारी समस्याएं हो रही है क्योंकि हमने कई तरह के जानवर यहाँ पे इलाज के लिए भर लिए हैं, पर जगह हमारे पास कम है। अभी मैं अस्पताल से गया हूँ, उसका अपडेट देता हूँ, जब वो एक बारी बन जाएगा तभी हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेस्क्यू जो ये ज्योति बताएगी, वो जो लंगूर का था। हमें कॉल आई तो उस टाइम पे सिचुएशन ये थी ना कि उसको डॉग बाइट हुआ था और वो पेन में था, तो उनका भी ये था कि आप पहले आके ट्रीटमेंट करिए फर्स्ट थिंग। तो आपको कॉल पुलिस से आई थी ना? हाँ जी सर, लेकिन साथ में उन लोगों ने वाइल्ड लाइफ वालों को भी बुला रखा था। हाँ, क्योंकि लंगूर तो वाइल्ड लाइफ में आएगा। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि वहाँ पर साथ में दोनों टीम ने काम किया, वाइल्ड लाइफ वाली टीम ने भी काम किया और हमारी टीम ने रेस्क्यू करवाने में भी मदद कर दी और सामने पहुँचवाने में भी मदद कर दी। जा रहे खुल। हमें देख रहा था फुटेज में कि हमारी टीम तो वहाँ पे इलाज तक बनी हुई थी और फिर वो अपने साथ ले गए। तो वाइल्ड लाइफ वाले ने कुछ कहा है कि उसका वो करेंगे क्या लंगूर का? नहीं सर, उस बारे में तो हमारी कोई बात नहीं हुई उनसे। पर चलो, फिर भी ये है कि लंगूर खुशकिस्मत है कि वाइल्ड लाइफ की लिस्ट में तो आते हैं, अनलाइक बंदर जो कि वर्म इनडिक्लेयर्ड हैं और उनके लिए वाइल्ड लाइफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि दो बंदरों के केस आए, एक तो बंदर जिसको हम बचा ही नहीं पाए। जी सर, अब हम वहाँ पहुँचे तब वो ख़त्म हो चुका था क्योंकि उसको जहर दिया गया था। वो तो संजय जी हमारे साथ थे, उन्होंने देखते ही बता दिया कि पॉइजन जब डालते तो बंदर पानी की तरफ भागता है। पानी पीने आया था या बिना पिया हुआ? खत्म। गलती से कुछ ऐसा गलत खा लिया या पॉइजन किसी ने दिया है? डालते हैं। और ये लोग अपना भाई खुलेआम जहर इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि बंदरों को वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन नहीं है। पर दूसरे केस में बंदर को रेस्क्यू की जरूरत नहीं थी, बंदर ने एक बिल्ली के बच्चे को किडनैप कर लिया था जिसको रेस्क्यू की जरूरत। और ये दूसरी बार हुआ है कांगड़ा में। हमें पहले भी पपी को एक उठा लिया था उसने, पालतू पिल्ले को, और दूसरी बार अभी अच्छा जिसको उसने 3 दिन बाद छोड़ा था। जी, जो अभी जो कॉल है उसने किटन को पकड़ लिया था और वो अपने साथ ही रखे हुए था, है ना। वो सुबह से वो किसी के घर के सामने बैठा हुआ था। आपने कोई जाल वगैरह भेजा था कि भाई जिस सर वहाँ पर हमने सब करवा दिया था अरेंजमेंट, क्योंकि टीम वहीं से गई ना धर्मशाला से सीधा लंगूर से बिल्ली को बचाने। लेकिन वो भाग गया उसे लेके, अब वो हेल्दी मंकी था तो अब वो तो पता है पेड़ से पेड़, वो तो मुश्किल था थोड़ा। तो अब ये बंदर और बिल्ली का बच्चा इकट्ठे भाग गए हैं, आई होप इसका कोई पॉलिटिकल इशू ना बने। जब हमने लास्ट अपडेट शुरू किया था तो इसी हॉस्ट में ही यहाँ पे एक वो काउ थी। सर वो काउ तो हम नहीं बचा पाए क्योंकि उसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इंटरनल काफ़ी ज़्यादा इंजरीज थी उसको एंड वो प्रेग्नेंट भी थी, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी डेथ हो गई थी। ये वही है ना जो लदवाड़ा से हमारे दो रिलीज हुए, डबल रोटी और हमारा ललित जो कि वापस आ गया है अभी। अच्छा, वो जो बाहर घूम रहा है वो दो दिन से वो गेट पे हमारे इंतजार कर रहा है, परसों ही इसको हम छोड़कर आए हैं, फिर वो वापस आ गया नेक्स्ट डे। हमने उसको अंदर नहीं लिया कि इसकी गलत आदत पड़ जाएगी। ऐसा तो नहीं आप कॉलर पे पीपल फार्म लिख के रिलीज कर रहे हो, लोग उठा के वापस पीपल फार्म? नहीं 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 सर, वो खुद आया है क्योंकि उसके केयर टेकर है, उसको तो पता है। हमने उसको फोन किया, बोले हाँ वो मिल नहीं रहा है, आप छोड़ के जाओ, हम ध्यान रखेंगे कि ना भागे यहाँ से। और डबल रोटी को जहाँ छोड़ा है उसका घाव एकदम कम्प्लीटली फिनिश्ड नहीं था, लेकिन फिर भी हमें उसे रिलीज करना पड़ा क्योंकि कंडीशन बहुत बेटर हो चुकी थी, मैगेट सारे क्लियर हो चुके थे, लेकिन वो अपने खुद के पीछे वाले पैर को स्ट्रेस में आगे काटता था। तो घाव ना बन जाए कोई और वो रिलैक्स रहे, वो फ्रेंडली डॉग है, उसके केयर टेकर्स हैं वहाँ जो कि बहुत आसानी से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप भी अपने घर के पास जानवरों का ध्यान रखते आए हैं तो एक और आसान चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है फॉस्टर करना। इस समय अमन आई थिंक स्लीपिंग ब्यूटी को फॉस्टर कर। हाँ जी सर। तो फॉस्टर करने से एनिमल की तो हेल्प होती ही होती है, अगर आपने किसी एनिमल को अडॉप्ट करने का सोचा है तो एक ड्राई रन भी हो जाता है, क्योंकि अभी मास्टर जी की जैसे अडॉप्शन हुई
सर पास में ही यहाँ पे अडॉप्ट हो गया था, हम लोग भी खुश थे कि चलो फॉलो अप भी बहुत आसान होगा और डॉग भी बहुत अच्छा है हमारा, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि कोई दिक्कत आएगी। लेकिन उन्होंने अगले ही दिन हमें कॉल किया एंड उन्होंने ये बोला कि डॉग वापस करना है। हमने पूछा क्यों, तो उनका कहना था कि पॉटी बहुत कर रहा है। कई बार स्ट्रेस की वजह से डॉग्स अपना अलग अलग तरीके से ऐसे बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और जो सेटल हो जाता है आपके अकॉर्डिंग कुछ दिन में, कम से कम 10 दिन का ट्रायल तो होना ही चाहिए हर अडॉप्शन में। हाँ, स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी होगा, पर प्यार प्यार में होता है। उन्होंने खूब खाना खिला दिया, भाई पिटबुल है इसको खिलाओ, और फिर वो तो नहीं लगता इस टाइप का इशू आएगा। उन्होंने बोला कि बाहर लेकर जा रहे थे तो वो पॉटी नहीं कर रहा था, लेकिन घर में आते ही पॉटी कर रहा था, जो कि साइंस तो घर के अंदर कर रहा था। जबकि मास्टर जी तो अच्छा ट्रेन्ड भी है ना, सर। हाँ। हितेश ने उसको उनको ट्रेन किया मास्टर। हाँ, वो तो और उन्होंने अच्छे से पॉलिश कर दिया है। बाकी पॉटी ट्रेन सुसु ट्रेन तो वो था ही, क्योंकि हम ब्रीड डॉग्स को हमें पता है कि भाई किसी का छोड़ा हुआ है वो ट्रेन्ड ही होगा, तो हम उसको उसी वे में रिलैक्स रखने की कोशिश करते हैं। इन्होंने और उसको सिखा दिया था कि वो लीश पहले क्या खींचता था, लेकिन अभी वो उनके साथ ही चलता है लीश पे, काफी कुछ समझने लगा है, तो बहुत उसमें पॉजिटिव चेंज आया था, जिससे हम भी थोड़े से रिलैक्स थे कि नहीं हो जाएगा। एक चीज़ है, जो डॉग्स जब ट्रेन हो जाते हैं ना तो उनकी अडॉप्शन ईजी हो जाती है, तो अगर आप भी रेस्क्यूअर हैं तो इस पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि आप डॉग्स को 2-3 कमांड्स तो ज़रूर सिखाइए। एक और वीडियो हम करेंगे कि अपने डॉग को आप फोटोशूट के लिए कैसे सिखा सकते हैं, कैसे रेडी कर सकते हैं, वो वीडियो बाद में आएगा। अस्पताल का अपडेट यह है कि भाई मॉनसून से हमारी रेस है, छत डालने के लिए वाटरप्रूफ प्लाई आ गई है, उसके नीचे जो इंसुलेटिंग फोम लगनी है वो भी आ गई है, एक और वाटरप्रूफिंग की जो लेयर है वो भी आ गई है, इसके ऊपर लगेंगे स्लेट। और ये सब इसलिए है कि भाई हमें सीमेंट की स्लैब ना डालनी पड़े, क्योंकि उसका रिसोर्स यूज़ ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि इसका सफरिंग फुटप्रिंट नहीं है, पर एटलीस्ट ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि हम एनिमल्स की सफरिंग कम कर सके। जो एक और चीज़ हो रही है जिसके लिए हंसराज भैया यहाँ पे आए हुए हैं, वो है हमारा काओ शेड, जो रिकवरी काओ शेड है उसकी मार्किंग हो रही है। हमारे पास इसके फंड्स नहीं है, पर हमारी नींव खुद जाए अगर बारिशों से पहले तो कंस्ट्रक्शन तो उसके बाद धीरे धीरे होती रहेगी। एक जो हमारा वो फ्रोट को वापस लाए ना। हाँ सर, वो बट वो उन्होंने इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने वापस दिया, कि उसका काफी समय उन्होंने बहुत ध्यान रखा है क्रोट का, उसकी पूरी उम्र हो गई थी, वो उठ नहीं पा रहा था सर काफी दिन से, ट्रीटमेंट भी करवाया उन्होंने, लेकिन डॉक्टर्स ने भी यही बोला, अब एज वाइज है तो रेस्ट पे ही था, नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही थी उसकी, लेकिन फिर उन्होंने बेटर समझा कि इसको इस तरीके से खींचने का कोई फायदा नहीं, तो वो पुट डाउन करवाने लेकर आए थे। आपके पास अगर कोई पेट है तो आपके लिए डिसीजन आसान नहीं है, बट आई थिंक ऐसी सिचुएशन में हमें ये सोचना चाहिए कि जानवर किस दौर से गुजर रहा है, बजाय कि भाई हमारे पे इससे क्या बीते। एक जो हमारे यहाँ वो बैल आया था, वो जो सफ़ेद कपड़ा लगा के रखते थे हम उसको, दीनू काका। हाँ। उसका क्या हाल है सर? उसकी कंडीशन थोड़ी सी डाउन ही है, थोड़ी नहीं एक्चुअली बहुत है, क्योंकि वो उसको रोज़ हमें उठाना पड़ता है, वो उठ नहीं पा रहा है बिल्कुल अपने आप से, तो कुछ हमारे जो स्टाफ वाले हैं सारे उसको मिल के उठाते हैं। पर जब वो यहाँ आया था तो खड़ा रह रहा था। खड़ा रह रहा था सर, लेकिन वीकनेस तो तब भी बहुत थी ना, शोल्डर के नीचे हिस्से तक उसकी पस थी, जो कि हम रोज़ निकालते थे, ऐसे पानी की तरह मतलब भरी हुई थी ना, तो उसके वजह से बॉडी में इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना उसका। सेप्सिस। हाँ, और हम उसका वो फ्लूइड थेरेपी भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उसका ब्लड बहुत कम था। फ्लूइड थेरेपी क्या हुई? सपोर्टिव थेरेपी, उसको एनर्जी के लिए। लाइक डीसीआर लगाना? नहीं, एनएस वगैरह, डीएनएस वगैरह है ना, ठीक है, वो भी नहीं कर सकते थे, उससे ब्लड और पतला हो जाता तो और दिक्कत आती, इस वजह से हम उसको इमिडोका वगैरह भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा दे पा रहे थे हम, उसको इम्यूनिटी बूस्टर सिरप्स के थ्रू दे रहे थे है ना, उसके जो भी एंटीबायोटिक चल रही थी, लेकिन उसकी कंडीशन डाउन ही हो रही थी। और गौतम का केनल खाली है? गौतम नहीं बच पाया क्योंकि एक तो बहुत बूढ़ा डॉग था, दूसरा बहुत सर के हिस्से में जो उसका मैगेट वून था, उसका टिक फीवर का भी इशू था और उसका लिवर डैमेज भी था, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि उसकी ब्लड टेस्ट करवाई थी हमने, जैसे ही उसको डायरिया लगा तब हमने फिर से उसका LFT KFT पूरा कराया, तब पता चला था कि लिवर डैमेज है। तो ना गौतम, और जो गौतम का जो नेबर जर्मन शेपर्ड, उसका भी वही था सेम इशू है ना, टिक फीवर
लिवर डैमेज, जो कि उसकी ट्रीटमेंट उसके जो केयर टेकर्स थे वो भी पहले करवा रहे थे, और जब इस बार वो आया था मैगेट वुंड बहुत अंदर तक फैल चुका था, तो हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दी थी सारी, लेकिन सब कुछ ठीक चलते हुए मॉर्निंग में वो कोलैप्स कर गया। हमें पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन उसकी कंडीशन ही उसका कारण था। एक और डॉग जिसे हम नहीं बचा पाए, लेकिन उसके रेस्क्यू में हमारी टीम ने, खासकर रविंदर ने और अभिलाष जो गए था, दोनों ने मतलब अपना जी जान लड़ा दिया। वो नाले में उन्होंने घुस के उसको निकाला था और वो बचा नहीं। खैर, दो और रेस्क्यूज आए ना जो हमने कल बताए नहीं थे। एक तो डॉग आया है जिसको मैगेट वुंड है, शायद कांगड़ा से रेस्क्यू किया था इसको। उसके शोल्डर वाले हिस्से में ऊपर की तरफ एक मैगेट वुंड है, काफ़ी गहरा है। दूसरा एक बैल रेस्क्यू किया है हमने, इसका पीछे वाले हिस्से में। इसको चोट लगी कैसे कुछ पता है? नहीं पता सर, कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है। या तो शायद सींग पड़ा हो, या तो वही है ना, तार भी हो सकती है, लेकिन सींग तार नहीं। पीछे कैसे तार, कोई रिवर्स में थोड़ा अंदर जाएगा, सींग मारा है। हाँ, सींग लगा होगा, जिसकी वजह से काफ़ी गहरा मैगेट वुंड था। कल आरती ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म किया, उन्होंने काफ़ी मदद की इसको, हालांकि आराम से चढ़ के आ गया था गाड़ी में, कोई दिक्कत नहीं हुई रेस्क्यू में। आरती जब गांव में होती है तो हमारी रेस्क्यूज की संख्या धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है, और हमें ना भी फिर बोलना पड़ता है, फिर लोग नाराज होते हैं। इसका तो खैर मुझे लगता है ये जल्दी ठीक हो जाएगा, ये वुंड तो भर जाना चाहिए जल्दी। पर जो भी होगा हम आपको नेक्स्ट अपडेट में बताएंगे।